हेलो सचिन भाई, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। कहाँ आए हुए आज हम? आईएससी 555 पे हैं। हमारे पास जो है सारे के सारे ओईएम सिस्टम कम दामों पे रिपेयर किए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं एमजी हेक्टर, क्रेटा, होंडा, किया, सारे के सारे सिस्टम रखे हुए हैं। आप कोई भी सिस्टम देख लीजिए, फॉर्च्यूनर, स्कोडा, थार। तो हेलो गाइस, आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं फिर आ चुका हूँ ओल्ड लाजपत नगर मार्केट आईएससी 555 में। और ये जो शॉप है मेन सेकंड फ्लोर पे लोकेटेड है, और ये जो जितने भी कार स्टूडियो वगैरह होते हैं ओईएम सारी कार्स के रिपेयर करते हैं। ओके, तो शॉप के ओनर से मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको एड्रेस दिखा रहा हूँ कि ये शॉप कहाँ पे लोकेटेड है, उसके बाद जहाँ पे रिपेयर करते हैं इनकी जहाँ शॉप लोकेटेड है वो सब दिखाएंगे, किस तरीके से रिपेयरिंग वगैरह होती है, और ऑल ब्रांड्स के जो कार स्टूडियो होते हैं, डिस्प्ले होती है, सब रिपेयर होता है। तो एड्रेस देखते हैं कहाँ पे शॉप लोकेटेड है, उसके बाद शॉप के ओनर से मिलेंगे और वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सचिन भाई, ये कौन सा गेट नंबर है हमारे मेट्रो का? गेट नंबर एक, लाल किला गेट नंबर एक। जैसा कि आप देख सकते हैं लाल किला गेट नंबर एक है, लाल किला गेट नंबर एक है। और ये जो हमारी आपको राइट लेना है, और राइट से बगल में ही शॉप है हमारी, थर्ड नंबर पे शॉप। ओके, तो चले एक बार दिखाएं। आइए, जैसे स्टेयर्स पे आप चढ़ोगे, मतलब ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ही पास है शॉप, अभी हम दिखाते हैं आपको। ओके, ये पूरी मार्केट है हमारी ओल्ड लाजपत नगर मार्केट, और यहाँ से आपको 20 मीटर्स चलना होगा, 20 to 50 meters, और शॉप की जो स्टेयर से आ जाएगी आपके सामने इंडियन सर्विस सेंटर, ठीक है, आईएससी 555। यही पूरा एड्रेस वगैरह है, महेंद्र गुप्ता, सचिन गुप्ता, मोबाइल नंबर्स वगैरह है। सेकेंड फ्लोर पर जो हमारी शॉप है वो लोकेटेड है ओल्ड लाजपत नगर मार्केट, चांदनी चौक, दिल्ली 6। ओके, तो चलते हैं शॉप के अंदर और देखते हैं कैसी रिपेयरिंग होती है इन पर। ओके ओके सचिन भाई, कैसे हो? बढ़िया सर। तो एक बार व्यूअर्स को इंट्रो दे दोगे, फर्स्ट वीडियो है हमारी आपकी शॉप की, तो क्या करते हो आप? हमारा बेसिकली काम है कि ओईएम सिस्टम जो होते हैं गाड़ी के, म्यूजिक सिस्टम, ओके, वो हम रिपेयर करते हैं। और हमारा काम जो है वो नॉट ओनली बेस इन दिल्ली, हमारा ऑल ओवर इंडिया से काम है। ओके, आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास और हर जगह से पार्सल के थ्रू सिस्टम आते हैं, ये देखिए। ओके, रिपेयर होने के लिए? हाँ, ये बिल्कुल, ये रिपेयर होने के लिए ये सारे के सारे पार्सल्स हैं हमारे पास। ये सब बहुत अलग अलग जगह से आया हुआ है, ये आपका आया हुआ है गुजरात से, ये चेन्नई से आया हुआ है। ओके, और हमारे पास जो डीलरशिप है जैसे किया डीलरशिप और हुंडई डीलरशिप, उनके भी जो लोग हैं वो भी डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। मींस कंपनी से भी आते हैं आपके डायरेक्ट? कंपनी से भी डायरेक्ट हमारे सिस्टम आते हैं, और हुंडई का मोस्टली हमारा काम हुंडई का है। आप हमारा चैनल भी आईएससी 555 उस पर भी आप विजिट करके देख सकते हैं, वो लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपके चैनल का। बहुत सारी हमने ओईएम की वीडियोस अपलोड की हुई है कि सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आती है, क्या चीज होता है, कैसे काम करता है। ओके, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास एक सिस्टम आया हुआ है एमजी हेक्टर का। ओके, जिसमें एक बार दिखाइए, जिसमें टच ब्रेक है। करेक्ट, तो इसमें हमें टच डालनी है, तो हमारे पास एक बिल्कुल ओरिजिनल सिस्टम पड़ा हुआ है, ये देखिए, इसकी टच अभी हमें इसमें रिप्लेस करनी है। तो इसका एक्सपेंस क्या होगा? इसका एक्सपेंस वो डिपेंड करता है अप्रोक्स सिस्टम के ऊपर कि अवेलेबिलिटी कितनी है, और बाकी आप हमें फ़ोन कर लीजिएगा, सो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप के थ्रू। हाँ, व्हाट्सएप के थ्रू। और ये देखिए, एक 2021 का जो क्रेटा का सिस्टम है वो भी हमारे पास आया था रिपेयर होने के लिए। ओके, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि मोस्टली हुंडई में प्रॉब्लम आती है कि ऊपर पानी चला जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं ये पानी का निशान। करेक्ट, तो इसमें पानी चला गया था, तो इसमें जैक और बाकी सारी चीजें चेंज नहीं है। इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, रिपेयर करता है हमारा स्टाफ है। ओके, किस मुंबई, अभी आप ये रिपेयर कर रहे थे, और आप कब से रिपेयरिंग कर रहे हो यहाँ पे? सर, मुझे तीन साल से मैं रिपेयरिंग कर रहा हूँ। एक्चुअली इसमें क्या कहते हैं, काफी प्रॉब्लम्स वगैरह आती है पानी वगैरह की, और काफी डैमेज वगैरह हो जाता है सर, तो वो आप रिपेयर कर रहे हो यहाँ पे? ये जैसे ये दूसरा है, ये किया का सेट है हमारे पास। ओके, और इसमें भी यही प्रॉब्लम आई थी कि इसमें हमने अभी जैक चेंज कर दिया, लेकिन अभी इसमें डिस्प्ले नहीं आ रही है। ओके, तो अभी हमें इसकी डिस्प्ले देखना है कि डिस्प्ले कहाँ से नहीं आ रही है, अभी हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद इसे जो है आपको रिपेयर करके दिखाएंगे। ठीक है। और शुभम भाई, कुछ कुछ लोगों को डर होता है, जैसे मान लो कोई अपना देखे यहाँ पे ओईएम, तो उन्हें लगता है पार्ट्स वगैरह निकाल के चेंज ना करते। हमारे पास कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई एक सिंगल बंदा, पर जस्ट अभी मैंने आपका एक वो देखा, अच्छा खासा मतलब तरीका है आपका कि सिग्नेचर करवा लेते हो आप सारे सिस्टम पे। हम सिग्नेचर करा जो कस्टमर का सिग्नेचर है, आप कोई भी सिस्टम भेजें,
एक एक पार्ट पे आप सिग्नेचर करके भेजें और एक एक पार्ट आपका वही मिलेगा। वही मैं कह रहा हूँ, वही बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। बिल्कुल प्रोफेशनल काम है, ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ है, क्योंकि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है कि हम आपका ये सिस्टम में से ये निकाल लें, क्योंकि एक एक सिस्टम के चार चार पाँच पाँच स्क्रीन, दस दस स्क्रीन हमारे पास ऑलरेडी हमारे स्टॉक में पड़ी हुई है। ओके, आप ये देख सकते हैं सारे के सारे ओ ई एम सिस्टम लगे हुए हैं। ये आपका जो सिस्टम है, ये आपका निशान का है, ये फॉर्च्यूनर का सिस्टम है, स्कोडा S11, क्रेटा, ऑडी का सिस्टम है, ऑडी BMW, कोई भी सिस्टम हो, सब होते हैं अपने पास, सब होते हैं। ये देखिए अच्छी खासी क्वांटिटी में है, सारे रिपेयर होने के लिए आए हुए हैं। ये सारे रिपेयर होने के लिए नहीं, ये सारे के सारे सिस्टम हमारे स्टॉक के सिस्टम है। अच्छा, स्टॉक के सिस्टम है। ओके, और ये सारे, ये बाकी रिपेयर होने के लिए आए हुए हैं। ये बलिनो का अपना सिस्टम है, इसमें आपका SWDN, इसमें क्या दिक्कत है, सॉफ्टवेयर की दिक्कत है। ओके, और उसकी स्क्रीन टूटी हुई है, उसकी स्क्रीन चेंज। ये कौन से ब्रांड का है? ये आपका होंडा का सिस्टम है, होंडा 2021 का जो सिस्टम है, एप्पल कारप्ले वाला वो सिस्टम है ये। ओके, OEM है ये, OEM सिस्टम, ठीक है। और ये सारा, ये तो हमारे पैनल्स पड़े हुए हैं जिनमें हम टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि हम क्या है, किसी भी कस्टमर से पूरा पूरा सेट नहीं मंगाते हैं, क्योंकि हमारे कई सारे मैकेनिक दोस्त भी हैं जो पूरा सिस्टम अगर भेजेंगे तो उनको ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी। ओके, जैसे मान लीजिए एक सिस्टम होता है 3 किलो का, अगर पूरा सिस्टम वो भेजते हैं तो 3 किलो के जो कोरियर चार्जेज हैं वो एक्स्ट्रा पड़ेंगे, तो कस्टमर को ऑटोमेटिक ज़्यादा चार्ज देना पड़ता है। करेक्ट, तो हम सिर्फ मदरबोर्ड मंगाते हैं, जो मदरबोर्ड होता है वो आपका कुछ ग्राम का होता है, 100 to 200 grams, और वो कोरियर के थ्रू आ जाता है, वो उसमें 50 to 60 rupees का खर्चा आता है। अगर आप पूरा सिस्टम भेजेंगे तो आपका ये डिपेंड करता है अलग 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 प्राइस रेट पे। अच्छा, तो वो आपका 500-600 जो भी आपको चार्ज करते हैं वो आपके स्टेट के हिसाब से है। ओके, स्टेट बाय स्टेट के हिसाब से चार्जेस होते हैं सारे। और मैंने सुना है आप यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाते हो अपनी? हाँ, ये देखिए हमारे पास, ये हमारे जो है वो लगा रखा है ट्राइपॉड वगैरह, इस तरीके परफेक्ट फिटिंग है। और यहाँ पे आप वीडियो शूट करते हो अपने चैनल के? करें, ये हमारे चैनल की, यहाँ भी मैं, मेरे चैनल पे एक वीडियो आने वाली है आपके लिए। ओके, कि स्कॉर्पियो S11 का सिस्टम है ये देखिए, और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये रहा हमारे पास ये सिस्टम, ये हमारे पास आया हुआ है जम्मू और कश्मीर से। ओके, जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम है कि ये चलते चलते इसकी जो स्क्रीन है वाइट ब्लू रेड ऐसी हो जाती है रैंडमली चलते चलते अपने आप। तो इसमें क्या इशू होगा? इसमें इशू अभी चेक करेंगे, अभी मैंने चेक नहीं किया, वरना इसमें पूरा इशू आपको क्लियरिफाई कर देता। वैसे हमारे चैनल पे है पूरी की पूरी वीडियो, आने वाली जल्दी आने वाली वीडियो, पूरी वीडियो आने वाली है, इसमें इशू क्या था। ओके, और आप पैकिंग वगैरह कैसे करते हो एक बार बताओ कि लोगों को? पैकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, कि पैकिंग एक्चुअल में कैसे होती है? बहुत वो है, ये देखिए हमारे पास सिस्टम है जिसे हमने पैक किया हुआ है। ओके, ये आप देख सकते हैं, कोई भी पैकिंग के बाद बिल्कुल अच्छे से हम उसका स्टिकर लगाते हैं प्रिंट करके, उसके बाद बबल रैपिंग, उसके बाद बबल रैपिंग, ये देखते हैं पूरी बबल रैप, और पूरी बबल रैप हमने रखी हुई है। करेक्ट, जिसको पैक करके हम देखते हैं। तो मींस पैकिंग वगैरह भी प्रॉपर होती है? पूरी प्रॉपर। और पैकिंग के दौरान जैसे मान के चलिए आपने कोई सिस्टम भेजा हमें, और हमने यहाँ से भेजा, और पैकिंग में कोई मिस्टेक होती है, आपका सिस्टम वहाँ टूट जाता है। ओके, तो सिस्टम टूटने पे ओके हम यहाँ से आपको ये कहते हैं कि आप सिर्फ हमें वीडियो बना के भेजें कि आपका सिस्टम टूटा हुआ निकला है पैकिंग खोलते दौरान। ओके, तो हम उसे यहाँ से फिर से मंगा के विदाउट एनी कॉस्ट रिपेयर करके देते हैं। ओके, सचिन भाई ये आपके पास अभी करेंटली कस्टमर भी है, एक बार उनका रिव्यू ले ले। आप ले सकते हैं, हमारे पास दो कस्टमर आए हुए हैं। हेलो अंकल जी। हेलो अंकल जी, आप लोग कहाँ से आए हुए हो? मुरादाबाद यूपी से। ओके, पर्सनली मींस ये रिपेयर करवाने के लिए अपना? थैंक यू अंकल जी फॉर योर रिव्यू। और काम वगैरह एकदम सैटिस्फाइड है? बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, जब इतने दूर से आए अगर काम नहीं तो क्यों आता है? करेक्ट, और ये भी अभी के साथ क्रेटा का, तो काम वगैरह एकदम A1 है? काम वगैरह है तभी तो आते हैं, नहीं तो काम होता फिर? करेक्ट, मतलब नंबर वन है इन कामों में भाई है। ओके सचिन भाई, यहाँ पे कस्टमर का रिव्यू वेल एंड गुड है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो सचिन भाई कुछ बोलना चाहोगे व्यूअर्स को, कुछ और एक्स्ट्रा बताना चाहोगे? अगर जैसे मान लो कोई, जैसे ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे अंकल जी, तो कितना टाइम लगता है बेसिकली? देखिए मोस्टली तो सिस्टम पे डिपेंड करता है, सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है। जैसे अभी हमारे पास MG एक्टर की डिस्प्ले चेंज होनी है, तो उसमें कितना टाइम देना पड़ेगा कस्टमर को? MG एक्टर में डिस्प्ले अगर चेंज होनी है तो ज़्यादा टाइम नहीं है, हम इसमें मोस्टली 1 to 2 hours में फ्री कर देते हो? और जैसे ये हमारे पास ये आए हुए हैं, इन सिस्टम में थोड़ा सा टाइम लग जाता है,
किसी किसी सिस्टम में 2 घंटे में हो भी जाता है, और किसी किसी सिस्टम में होता है कि अगर आपको प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी रहती है okay. तो डायग्नोस करने में ज्यादा दिक्कत आ जाती Correct. है। तो उसी हिसाब से हम कस्टमर से टाइम लेते हैं और उनको बोलते हैं। सो गाइस आइए शॉप पे, आप देख सकते हो प्रॉपर रिपेयरिंग होती है यहाँ पे, भाई वगैरह तरीके से रिपेयरिंग करते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला है कि पार्ट्स वगैरह चेंज कर लेंगे, आप बैठ के कराइए सचिन भाई के पास, स्पेशल शॉप है यहाँ पे, बैठिए पूरा दिन आराम से बैठ के रिपेयर करवाइए ओके। और देख सकते हो यहाँ पे न्यू न्यू कार के जितने ही मॉडल्स हैं उनके सबके OEM सिस्टम रिपेयर कर देते हैं, कार स्टीरियो हो गए वो सब ना, क्योंकि एंड्रॉइड का कोई भरोसा नहीं होता ना इसलिए, और एंड्रॉइड इतने चीप हो गए हैं कि आदमी ये सोचता है कि यूज एंड थ्रो हो गए हैं। करेक्ट, अगर उनका खराब होता है तो वो सोचते हैं कि चलो इसे निकालो दूसरा हम लगाते हैं ओके, तो उनकी रिपेयरिंग का कोई वैसे फायदा भी नहीं है। और आपके गूगल पे रेटिंग कैसी है अगर बताइए व्यूअर्स को हमारे गुस्से। रेटिंग तो बहुत अच्छी है, 4.9 की रेटिंग, मतलब वो जल्दी 5 हो जाएगी। चलो बहुत बढ़िया है। सो गाइस आइए शॉप पे, देख सकते हो अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए आते हैं अलग अलग स्टेट से इंडिया के। और कुछ बोलना चाहोगे सचिन भाई, वीडियो एंड करते हैं या फिर? नहीं सर, थैंक यू आपके लिए। और व्यूअर्स को थैंक यू बोलिए हमारे जो आपको कॉल करने वाले हैं इन फ्यूचर, आपकी वीडियो देख के आपको कॉल करेंगे वो लोग ओके। थैंक यू सो मच, और चैनल को पूरा सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सचिन भाई, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए। और आपका जो चैनल है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपके चैनल पे भी लोगों को विजिट करना है तो वो कर लेंगे। और नंबर वगैरह, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपका डिस्प्ले पे भी आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा ओके सचिन भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, वेलकम।